राम जी जो है ना वो अपनी अम्मा से पिता से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। उनको मालूम था कि मेरी माँ को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बड़े होने के बाद भी ना कभी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनके घर में शिकायत आए। अब अपना झांक झांक के देखो कि जिंदगी में कितनी शिकायत आपकी वजह से घर में आई है। एक दो चार लोग गिने चुने होंगे हाथ पर जिनके नाम से कोई शिकायत नहीं आई होगी। छोटी छोटी शिकायत आती है। क्या हमारे पेड़ से आपकी बेटी और आपका बेटा अमरूद तोड़ रहे थे ढेला मार मार के? बड़ी शिकायत की तो बात ही छोड़ दो। बहुत प्यार करना अपने माता पिता से। हम उनको कुछ दे तो सकते नहीं है ना, कुछ नहीं दे सकते। क्या दे सकते अपने माता पिता को? क्या है अपने पास? कुछ नहीं है। बहुत करोगे तो आप पैसा दे दोगे, उनके घर में एसी लगवा दोगे, जनरेटर लगवा दोगे, तेल भरवा दिया करोगे अनलिमिटेड पैक में, हा? लेकिन जो उन्होंने दिया है वो कभी नहीं दे सकते। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। परमात्मा व्यापक है, निरंजन है, जो किसी के पकड़ में नहीं आता, वही परमात्मा प्रेम के पास में ऐसा बध गया है कि पुत्र बन करके कौशल्या और दशरथ जी के घर में आ गया है। प्रेम में बहुत ताकत है। जब जब राम जी को खिलाने के लिए ना, खिलाना नहीं, खिलाना बहुत आसपास का शब्द है, बच्चे को ना खिलाते समय भी, मतलब खिलाते समय भी खिलाना पड़ता है, बाबू खा लो झुंझुना बजा बजा के। ऐसे जब राम जी को कुछ खिलाना पिलाना होता था तो भाग जाते थे, जल्दी पकड़ में नहीं आते थे। जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे राम जी भी अपने बचपन के व्यवहार में सबकी तरह दिखते हैं। कौशल्या जी जब पकड़ती हैं और भोजन के पास लाती हैं फिर पुदक के भाग जाते हैं। तो ऐसे ढेर सारा जो बाल लीला है ना उसके माध्यम से भगवान अपने माता पिता को सुख देते हैं। देखो वात्सल्य का सुख यही है कि जब बच्चा आपको छेड़े, आपको थोड़ा तंग करे, आपकी दाढ़ी में खुजली करे, हाँ, अगर जो लड़का जन्म से ही साधु हो, हाँ, किसी को तंग ना करे, तो उसकी माँ तो जन्म से ही परेशान हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि घर में रहेगा बहुत दिन तक। भय कुमार जब ही सब भ्राता गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई। अलप काल विद्या सब आई। भगवान देखो उनको कुछ भी सीखना नहीं है, उनको कुछ भी जानना नहीं है, सब कुछ उनको मालूम है, पर फिर भी गुरु के घर जाते हैं, गुरुकुल जिसे कहते हैं, वहां सारा ज्ञान हासिल करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। और फिर जब पढ़ लिख लेते हैं ना तो पढ़ने लिखने में हमारी तरह नहीं कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह
12 दिन 15 बीए, फिर एमए 16-17, फिर पीएचडी 18-19-20, और 5 साल के बाद पढ़ाई शुरू होती है। 25 साल में पढ़ के तैयार होता है आदमी, फिर भी लायक हो इसकी गारंटी नहीं रहती है। 25 साल पढ़ने के बाद भी आदमी बेरोजगार रहता है। इसका कारण सरकार नहीं है, इसका कारण अपनी पढ़ाई है। जो लड़के पढ़ रहे हैं अभी आईएसआई की यूपीएससी का रिजल्ट निकला है ना, 22 साल या 20 साल की लड़की आईएएस बन गई है। सोचो, कल्पना करो कैसे बनी है। वहां घूस उस नहीं चलता है, घूस चलता है खाकी वाले मामले में। हाँ, कहीं कलर की का काम है तो वहां बहुत कोई जुगाड़ लगा दिया तो हो गया, नहीं होता। बड़े उपलब्धियों में आपकी प्रतिभा ही आपको आगे बढ़ाती है। तो ये इसलिए कह रहे हैं ना कि आप जब विद्यार्थी हो ना तो दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि फिर ना बाद में बहुत पछताना होता है। और मैं सच कह रहा हूँ, आपको याद रखना, बड़े बुजुर्ग जो यहाँ है ना उनको याद आता होगा, जो चीज वो अपने विद्यार्थी जीवन में ठीक से नहीं पढ़े उसके लिए बाद में अफसोस होता है कि काश हम पढ़ लिए होते तो आज हमारी स्थिति और अच्छी होती। तो वो तो अफसोस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन नहीं है। पर जो बच्चा लोग है ना यहाँ पे ढेर सारे बैठे हुए हैं, बालक बालिकाएं, दिल लगा के पढ़ो भैया। नहीं पढ़ोगे ना तो सच बताऊं आजकल के जमाने में आपसे कोई विवाह भी नहीं करेगा। आजकल लड़की पूछेगी व्हाट इज योर नेम, तो बता दोगे माय नेम इज फला फला फला। फिर जब आगे बढ़ेगी ना तो फिर वहां टैंट फीस हो जाओगे, फिर कहेगी पापा ये तू अनपढ़ आदमी, इससे शादी नहीं करनी है, ठीक ना। तो दिल लगा के पढ़िए। जब भगवान राम पढ़ते हैं मन लगा के, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा।